आप किसी समझदार इंसान और किसी मूर्ख इंसान की ज़िंदगी को ध्यान से देखो और कंपेयर करो। जो आपको सबसे बड़ा अंतर दोनों की ज़िंदगी में दिखेगा वो ये होगा कि समझदार इंसान की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है और किसी मूर्ख इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड का सीधा सा मतलब है उनके खाने पीने उठने बैठने रहने का सब टाइम एकदम फिक्स होता है। इवन उनके कपड़े भी फिक्स होते हैं कि वो क्या कपड़े पहनेंगे। ऐसा करने से उनके दिमाग में बहुत शांति रहती है और वो बड़ी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। दूसरी तरफ किसी मूर्ख का कोई प्लान फिक्स नहीं होता, उसमें हमेशा आपको कॉन्फिडेंस की कमी मिलेगी और लगभग एक आवारा पशु के जैसी ज़िंदगी वो जीता है। अब आवारा पशु अनफॉर्चुनेटली मजबूर बना दिया गया है दूसरों की दया पर जीने के लिए, पर हम इंसानों के लिए ऐसी कोई मजबूरी होती नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो आपका माइंड हमेशा कन्फ्यूज्ड रहेगा और हमेशा आप सोचते रहोगे कि आगे मैं क्या करूं, अगला मैं क्या करूं। ये हर टाइम आपके दिमाग में चलता रहेगा। इस कन्फ्यूजन की स्थिति में आपके दिमाग में डर बना रहता है और उस डर की वजह से आप हमेशा गलत फैसले लेते हो, और ऐसा होने से धीरे धीरे लोगों के बीच में आपकी छवि एक मूर्ख के जैसी निकल के सामने आती है। और इन सब कारणों की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी भी रहने लगते हो। अब आप खुद अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आप किसी और को भी सुखी नहीं देख पाओगे, और यही किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बुरी स्थिति होती है। इंसान का बच्चा प्रकृति का सबसे लाचार जीव होता है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर जाता है। अपने जीवन में एक शानदार जीवन जीता है और अंत में बहुत सम्मान से इस धरती से विदा लेता है। अब क्योंकि ऐसा संभव हो सके हमारे जीवन में, इसके लिए हमको एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जीवन का, और ये हमें अपने आप के लिए करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।